नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं न्यूज बिहार। बिहार कैबिनेट का फाइनली विस्तार हो गया है। राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह के बाद सभी मंत्रियों के विभागों का भी अब बंटवारा कर दिया गया है। इसकी सूची भी अब सार्वजनिक कर दी गई है। किसे कौन सा विभाग मिला है वो हम आपको अब जानकारी देने जा रहे हैं। कुल मिलाकर के 31 मंत्री हो गए हैं, इंक्लूडिंग नीतीश कुमार। अब इन सब में किनको कौन सा विभाग का बंटवारा हुआ है इसकी जानकारी अब हम आपको बता रहे हैं। शुरू करते हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से। नीतीश कुमार ने कुल 5 विभाग अपने पास रखा है, जिसमें सामान्य प्रशासन है, गृह है, मंत्रिमंडल सचिवालय है, निगरानी है, निर्वाचन है, और ऐसे सभी विभाग जो आवंटित नहीं होता है वो मुख्यमंत्री ही अपने पास रखते हैं। दूसरा, डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद की बात कर लें तो इनके पास वित्त विभाग अभी भी है, वाणिज्य कर है, नगर विकास और आवास। फिर बात करते हैं रेणु देवी की, ये भी डिप्टी सीएम है, इनके पास 2 मंत्रालय, आपदा प्रबंधन है और पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग कल्याण। फिर बारी आती है विजय कुमार चौधरी की, उन्हें शिक्षा और संसदीय कार्य का प्रभार दिया गया है। विजेंद्र प्रसाद यादव की बात कर लें तो ऊर्जा और योजना एवं विकास। फिर बारी है अशोक चौधरी, नीतीश कुमार के चहेते हैं, इन्हें भवन निर्माण विभाग दिया गया है। फिर बात करते हैं शीला कुमारी की, उन्हें परिवहन मंत्रालय मिला है। जीतन राम मांझी के बेटे संतोष कुमार सुमन को लघु जल संसाधन और अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण मंत्रालय, 2 विभाग इनके पास भी आया है। मुकेश सहनी के पास मछली पालन, पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्रालय इनके पास रहेगा। मंगल पांडे स्वास्थ्य में बने हुए हैं, लगातार बने रहते हैं। अमरेंद्र प्रताप सिंह की बात, इन्हें कृषि मंत्रालय मिला है। डॉक्टर रामप्रीत पासवान, लोक स्वास्थ्य एवं अभियंत्रण, ये विभाग इन्हें मिला है। जीवेश कुमार की बात करें तो इनके पास 2 है, श्रम संसाधन और सूचना प्रौद्योगिकी। उसके बाद 14वें नंबर पे हम आ चुके हैं राम सूरत कुमार, जिन्हें राजस्व एवं भूमि सुधार का विभाग मिला है। शाहनवाज हुसैन, जिसकी चर्चा सबसे अधिक हो रही थी कि इन्हें कौन सा मंत्रालय मिलेगा, कहा जा रहा था कि क्या नीतीश कुमार से गृह विभाग छीन करके शाहनवाज हुसैन को दे दिया जाएगा। हम इनकी चर्चा कर दें आपको कि शाहनवाज हुसैन को वैसा कुछ खास नहीं मिला है, उद्योग मंत्रालय फिलहाल दे करके इन्हें संतुष्ट रहने को कहा गया है। श्रवण कुमार की बात करते हैं, इन्हें ग्रामीण विकास मंत्रालय मिला है। मदन सहनी समाज कल्याण देखेंगे। प्रमोद कुमार को गन्ना उद्योग और विधि यानी कानून भी इनके पास आया है, प्रमोद कुमार के पास। संजय कुमार झा नीतीश कुमार के करीबी हैं, इन्हें जल संसाधन और सूचना एवं जनसंपर्क, जो इससे पहले पिछली सरकार में भी नीरज कुमार देख रहे थे। लेसी सिंह खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण। सम्राट चौधरी को पंचायती राज मिला है। ये हो गए 21 नामों सूची, बाकी भी हम आपको बता रहे हैं। अब 22 नंबर से बोल रहे हैं नीरज कुमार सिंह, नीरज कुमार बबलू, इन्हें जो है पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मिला है। सुभाष सिंह को सहकारिता मंत्री बनाया गया है। नितिन नवीन को पथ निर्माण विभाग दिया गया है, जो पिछली सरकार में लगातार नंदकिशोर यादव देखते रहे थे। सुमित कुमार सिंह जो चकाई विधायक हैं, निर्दलीय हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने इन्हें अपने पास रखा है और नीतीश कुमार को बहुत मानते भी हैं। इन्हें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का डिपार्टमेंट दे दिया गया है। सुनील कुमार की बात करें तो इन्हें मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन मंत्रालय सौंपा गया है। नारायण प्रसाद नूतन विधायक हैं, इन्हें पर्यटन मंत्रालय दिया गया है। जयंत राज युवा चेहरे हैं, इन्हें जो है ये कुशवाहा बिरादरी से आते हैं। ग्रामीण कार्य मंत्रालय इन्हें दिया गया है। आलोक रंजन झा की बात कर लें तो कला संस्कृति एवं युवा मंत्रालय इन्हें दिया गया है, इन्होंने आज मैथिली में शपथ भी ली थी। मोहम्मद जमा खान की बात करें तो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय इन्हें दिया गया है। उम्मीद भी की जा रही थी कि इन्हें अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय भी मिलेगा। उसके बाद जनक राम, जो अपने नाम में जनक चमार लिखने लगे हैं, उन्हें खान एवं भूतत्व मंत्रालय सौंपा गया है। ये पूरी सूची है जो हमारे पास आई, हमने आपको जानकारी दी है कि टोटल 31 मंत्री बनाए गए हैं, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल हैं। फिर भी 5 मंत्रियों की गुंजाइश है, जिस पर भी विवाद आगे बना रहेगा। इसमें किसको क्या मिलता है वो भी इंतजार करना होगा अगले विस्तार का। लेकिन तमाम अटकलों गतिरोध को खत्म करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फाइनली फैसला ले लिया। बीजेपी की लिस्ट मिली, जदयू की लिस्ट मिली, 9 और 8 के फॉर्मूले पर 17 नए चेहरों को शामिल किया गया। शपथ ग्रहण के तुरंत बाद ही यह लिस्ट भी जारी कर दी गई कि किसे कौन सा विभाग मिला है। यह सूची
आप लोगों के बीच अब इस वीडियो के थ्रू मिल रहा है, आप भी देख लें और संतुष्ट हो लें कि आपके एरिया के किन लोगों को कौन सा मंत्रालय मिला है। न्यूज पीआर में मेरे यानी रंजीत झा की तरफ से फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।